हेलो दोस्तों, आपके घर से बाहर निकलने के पहले जो आपके मेहमान और दोस्त वेट करते हैं, तो उनके लिए वेलकम करने के लिए कोई और भी इंतजार कर रहा है। जी हाँ, ये पूरा परिवार। और ये कितना सुंदर लग रहा है, एक ग्रीनरी तो ऐड कर ही दी हमारे गार्डन में, और साथ ही में एक बहुत ही खुशी वाला फैक्टर भी ऐड किया है। और ये तो ऐसी चीज है कि जो आपके आने जाने वाले राहगीर है ना, उनको भी इसे देख के एकदम अद्भुत सी खुशी फील होगी। तो चलिए बनाना सीखते हैं, बहुत ही आसान है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। तो आप अपने वही 10 लीटर वाले और 5 लीटर वाले खाली तेल के डब्बे ले लें और उसको यहाँ से काट दें। और साथ में उसको पेंट करने के लिए चाहिए येल्लो एज बेस कलर, इसीलिए थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। डिजाइन बनाने के लिए रेड, इसीलिए थोड़ा सा कम चाहिए होगा। येलो से पेंट करने के लिए, क्योंकि बेस पेंट है इसीलिए चौड़ाई मुंह वाला ब्रश। रेड से डिजाइन बनानी है बारीक, इसीलिए चौकोर पतला ब्रश। थिनर, अगर आपका पेंट गाढ़ा है तो उसे हल्का सा डाइल्यूट करने के लिए, हल्का करने के लिए, या फिर अपने हाथ और ब्रश को धोने के लिए। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया है। अब मैं इसको हटा के इसको अपने मनपसंद रंग से कलर कर लूंगा। ध्यान रखिए, आप एनामल ही यूज करें, वॉटर कलर से ये इसका पेंट उतर सकता है। मैं एशियन पेंट के प्रीमियम एनामल येलो कलर से इन सबको पेंट करके सुखा चुका हूँ। काटते टाइम जो अनइवन एजेस आ जाते हैं उनको कवर अप करने के लिए आप ले लेंगे अपनी मनपसंद रंग की टेप। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने येलो पेंट ही किया, इसलिए मैंने यहाँ पर येलो टेप ले ली है, या फिर मास्किंग टेप आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच वाली मास्किंग टेप ली है, और या फिर एमसील। और एमसील को कवर अप करने के लिए आप ले लेंगे अपने मनपसंद रंग का पेंट, पर ये सारे कम्प्लीटली ऑप्शनल। इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स रख रहे हैं तब तो ठीक है, पर अगर आप इसमें नेचुरल प्लांट्स रख रहे हैं तो नीचे ड्रिल कर दें, क्योंकि सांस भी लेनी होती है हमारे पेड़ों की जड़ों को। तो अब मैं इसमें ड्रिल कर देता हूँ। तो इसमें इसके सूख जाने के बाद मैं अपने रेड कलर से डिजाइन बना लेता हूँ। तो अब ये देखिए कितनी सुंदर स्माइली बन गई है। इसी प्रकार मैं अपने बाकी सारे डब्बों में भी स्माइलीज बना लेता हूँ। अब ये देखिए इसकी रौनक क्या कम लग रही है। अब मैंने इसमें पूरा एक परिवार किया है। सबसे कोने वाले हैं पापा और दूसरे कोने में है मम्मा, बीच में एक बेटी, और उन दो पापा और बेटी के बीच में एक शैतान सा बेटा। अब ये मैंने पूरा परिवार बना दिया है, सबके सुंदर सुंदर बाल भी मैंने बना दिए हैं। इस लड़के का क्या ख्याल है, इसकी एक छोटी सी इससे इसमें और ज्यादा शैतानी वाला लुक आ गया है। और ये लड़की की सुंदर आईब्रोज और ऐसे ऐसे बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और पापा के डिसेंट से मिलिट्री कट वाले बाल। अब यहाँ पर मैंने मम्मा के सुंदर बालों के साथ ये देखिए नेकलेस भी बनाया है। इससे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपकी मम्मा भी जूल्स तो पहनती होंगी, तो पहना दीजिए इनको भी जूल्स। तो अब बेटियों को भी तो बड़ा फैशन का मन होता है, तो उनके लिए मैंने बनाई है ये हेयर पिन। यहाँ पर आपकी इतनी सी हेयर पिन है, और ये जो आगे निकले हुए हैं ये ऐसे अंदर घुस के छेद बना के ऐसे अंदर घुसा देंगे ताकि टाइटली हो जाए बंद, और ये ऐसी सुंदर सी आ जाएगी। अब ये मैंने बनाई कैसे, ये मैंने उन प्लास्टिक की बॉटल्स जैसे कि कोको कोला की या फिर किनले या बिस्लरी की, जिनको मैंने इस तरीके काट लिया और फिर इसी में से ऐसी शेप काट ली, और फिर इसको पेंट करके ये सुंदर सा बना लिया। तो ये पूरा परिवार अब अपने राहगीरों को खुश करता रहेगा। अब आपको याद है इसके ऊपर से हमने इसका ढक्कन निकाला था, उससे बने हुए हैंगिंग पॉट का क्या ख्याल है। इन्हें दिवाली या फिर किसी खास मेहमान के आने पे एज लैंप्स यूज कीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ले लीजिए, हो गया, आपके लैंप कम प्लांटर्स तैयार हो गए हैं। आप अकेले भी हैं तो क्या गम है, आपके आने से पहले आपके दोस्त आपके वेट कर रहे हैं। आप आएंगे और ये आपको बहुत ही खुशी से, जैसे ये लड़की
मम्मा, पापा, भाई, ये सारे आपको ग्रीट करेंगे। और ये रेड वाला, जी हाँ, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।